अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि YouTube आगे और लोगों को ये वीडियो भी रिकमेंड करे। भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो जाने जाते हैं अपनी खूबसूरती के लिए। साथ ही आपको मिलेंगे लजीज खानों के बेहतरीन खजाने, वो भी प्रीमियम सर्विस के साथ, और बच्चों की मस्ती का नया अड्डा। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट भिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। भिवंडी शहर के अलग अलग क्षेत्र से 3 नाबालिग लड़कों के मिसिंग होने का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, जिसमें शांतिनगर पुलिस के अंतर्गत गैबी नगर के साईनगर में रहने वाला 14 वर्षीय नोमान जावेद अंसारी और चौहान कॉलोनी में रहने वाला 13 वर्षीय इमरान मजीद कुरेशी, साथ ही दरगाह रोड में रहने वाला 15 वर्षीय जुम्मन उर्फ शाबान रुस्तम खान 19 मई और 20 मई से गायब है। भिवंडी पुलिस कर रही है तीनों लड़कों की तलाश। आज भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने शहर में हो रहे नाला सफाई का जायजा लिया। अपने इस दौरे में रईस शेख ने 5 जगहों का जायजा लिया, जहां उन्होंने पाया कि नाला सफाई तो हो रही है लेकिन नाम मात्र। MLA रईस शेख ने भिवंडी महापालिका के इंजीनियर और असिस्टेंट कमिश्नर को नाले की सफाई ठीक तरह से करने और समय पर काम पूरा करने की ताकीद की। आमदार रईस शेख ने अपने नाला सफाई विजिट के दौरान एक जुए के अड्डे पर मारा छापा। कल्याण रोड मुरलीधर कंपाउंड परिसर में MLA रईस शेख नाला सफाई का जायजा ले रहे थे, तभी उनकी नजर एक गाले पर पड़ी जिसमें ब्लू पर्दा लगा हुआ था। रईस शेख ने फौरन गाले में दाखिल होकर देखा तो दिन दहाड़े मटका जुगाड़ चल रहा था। MLA साहब ने तुरंत शांतिनगर पुलिस को बुलाया और अवैध तरीके से चल रहे इस जुगाड़ के अड्डे को बंद कराने का आदेश दिया। भिवंडी के जकात नाके पर रॉन्ग साइड से जाने वाले वाहन चालकों की वजह से हर रोज जकात नाके पर कई घंटों तक हेवी ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस वगैरह को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। वहीं जागरूक नागरिकों ने स्पॉट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की मांग की है। साथ ही भिवंडी के ट्रैफिक इंचार्ज मनीष पाटिल ने भिवंडी की जनता से अपील की है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे और अपने अंदर ट्रैफिक सेंस को बढ़ाए। भिवंडी AIMIM के कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने आमदार रईस शेख की निधि से हो रहे RCC रोड के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इस पर आज AIMIM ने महापालिका मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल आंदोलन किया। साथ ही शादाब उस्मानी ने ठेकेदार के लेन देन पर भी सवाल उठाया है और महापालिका से रोड का काम दोबारा करने और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है, जिस पर महापालिका ने लिखित रूप से ठेकेदार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुंबई कस्टम्स ने गोल्ड स्मगलिंग करने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टमर की चेकिंग के दौरान 3 अलग अलग मामले में करीब 3 किलो सोना किया बरामद, जिसकी कुल कीमत 1,58,00,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही ये भी बताया गया है कि एक मामले में केनिया एयरवेज के क्रू मेंबर को करीब 1 किलो सोने के साथ पकड़ा गया। मुंबई के चेंबूर में रहने वाली 38 वर्षीय महिला टीचर का हुआ बलात्कार। खबरों के अनुसार 45 वर्षीय शख्स ने महिला टीचर के घर जाकर ट्यूशन क्लास में फाइनेंशियल मदद करने की बात करते हुए महिला को नवी मुंबई चलने कहा, जिसके मना करने पर उस शख्स ने महिला पर हमला किया और उसका रेप किया, जिसके बाद महिला कुछ दिनों तक सदमे में थी। फिर महिला ने RCF पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद RCF पुलिस ने आरोपी को IPC सेक्शन 376-377 के तहत गिरफ्तार किया। मुंबई में ब्लास्ट करने की धमकी पोस्ट करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखा जिसमें मुंबई में जल्दी ब्लास्ट करने की बात की गई थी। पुलिस इस बात से हैरान थी कि अब तक धमकियां फोन कॉल्स और ईमेल के जरिए मिलती थी, मगर इस बार धमकी ट्विटर के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट से उस शख्स को ट्रेस किया और गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस कर रही आगे की पूछताछ। भिवंडी के वंजारपट्टी नाका स्थित उमर होटल में काउंटर पर रखे मोबाइल फोन हुआ चोरी। चोर काउंटर पर पार्सल लेने के बहाने रुका था और मौका देखते ही वहां रखा OnePlus कंपनी का मोबाइल फोन चुरा लिया। ये सारी घटना होटल में लगे CCTV में हुई कैद। होटल मालिक ने लोगों से निवेदन किया है कि फुटेज में नजर आ रहे चोर से सावधान रहे और अगर इसे कहीं भी देखे तो फौरन पुलिस के हवाले करे। आज स्टॉक मार्केट में सुस्त रहा कारोबार। आज सेंसेक्स 18 अंकों की बढ़त के साथ 61,981 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 33 अंकों की बढ़त के साथ 18,348 पर हुआ बंद। गोल्ड 60,237 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 72,150 और क्रूड ऑयल 6,095 पे ट्रेड करते हुए।